शाहरुख खान कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी किफ 2022 में पहुंचे। यहां उन्होंने इस इवेंट के ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। बाकी गेस्ट जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, सौरभ गांगुली ने स्टेज पर उनकी खूब तारीफ की, उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शाहरुख खान ने किफ के स्टेज से कुछ बातें की, उन्होंने इनडायरेक्टली सोशल मीडिया की बात की। इन दिनों सोशल मीडिया शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग के बारे में बहुत ही विवादित और स्प्लिट है, तो बिना अपनी फिल्म या गाने का जिक्र किए शाहरुख खान ने सोशल मीडिया के नुकसानों पर बात की। उन्होंने इसे समाज को तोड़ने और बांटने वाला बताया, हालांकि उन्होंने इसके पीछे की सही वजह भी बताई। शाहरुख ने किफ 2022 के स्टेज से कहा, सिनेमा और सोशल मीडिया पर अपनी बात को कहना भी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, हमारे समय का सामूहिक नैरेटिव है, वो सामाजिक रूप से आकार लेता है। ऐसा माना जाता है कि सोशल मीडिया का फैलाव सिनेमा को गलत तरीके से प्रभावित करेगा, मगर मेरा मानना अलग है। मुझे लगता है कि अब सिनेमा का रोल ज़्यादा ज़रूरी होगा। सोशल मीडिया वैसे भी छोटी सोच के साथ काम करता है, जो इंसानों को वही बने रहने देना चाहता है जो वो थे, लेकिन उससे बेहतर नहीं बनाता। शाहरुख अपनी इस बातचीत में आगे कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि नेगेटिविटी की वजह से सोशल मीडिया यूसेज बढ़ता है, इससे उसका कमर्शियल वैल्यू बढ़ता है। इन सोशल मीडिया साइट्स के बिजनेस मॉडल्स इसी तरह से काम करते हैं, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म्स डिस्ट्रक्टिव और बांटने वाले हो जाते हैं। सिनेमा कहानियों के जरिए इंसानी कमजोरियों को सामने लाता है, इससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, इससे एक काउंटर नैरेटिव तैयार होता है, एक ऐसा नैरेटिव जो एम्पथी और भाईचारे की बात करता है। उन्होंने अपनी बात इवेंट को ध्यान में रखते हुए फिर बड़े पॉजिटिव तरीके से ख़त्म की। उन्होंने आगे कहा कि किफ जैसे इवेंट्स इस किस्म के सोच से हमें आज़ाद करने में हमारी मदद करते हैं। आइए साथ मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुनिया को बेहतर बनाएं, जिसकी शुरुआत यही कोलकाता से की जाए। आपके लिए इस खबर को लिखा है हमारे साथी श्वेतांक ने, कैमरा के पीछे है जतन। आप देख रहे हो लालन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।